अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बात करनी है साउथ अफ्रीका में जॉब्स और बिजनेस के बारे में कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप आते हो, आप जॉब करो और अगर बिजनेस करो। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं इस टाइम साउथ अफ्रीका केप टाउन में खड़ा हुआ हूँ। मेरे होटल के पास ही ये पीछे केप टाउन ये टेबल माउंटेन है, और दूसरी साइड पर अगर देखेंगे तो आप इस साइड पर मेरा होटल है, बैक साइड पे टेबल माउंटेन है, और दूसरी साइड पे सी साइड आ जाती है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं। आज मैंने दोस्तों बात करनी है कि अगर आप साउथ अफ्रीका में आते हो तो यहाँ पे बिजनेस और जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि साउथ अफ्रीका इसलिए नहीं आते, वो समझते हैं कि शायद यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो मैं ऐसे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे। बहुत सारे पाकिस्तानियों से मैं मिला हूँ जो कि किसी भी तरीके से यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ तो वो विजिट वीज़ा पे आए थे और वापस नहीं गए, या फिर वो किसी तरीके से किसी दूसरे मोजम्बीक वगैरह के रास्ते से यहाँ पे एंटर हो गए। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जितने पाकिस्तानियों से मिला हूँ मैं यहाँ पर बंगाली भी हैं और इंडियन भाई भी हैं, सारे हैं यहाँ पर। तो उनसे मिला हूँ, उन्होंने जो मुझे बात बताई है वो ये कि यहाँ पे बिज़नेस की और जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और ऑलरेडी पाकिस्तानी जो यहाँ पे जॉब कर रहे थे उनके बकौल यहाँ पे आप तकरीबन 1.5-2.5-3 लाख तक, उनकी जहाँ तक रेशो की बात करूँ वो 3.5-4 लाख रुपये पाकिस्तानी तक कमा रहे थे। तो खैर, अभी वो जिस वीज़ा पर आए हुए थे वो पाकिस्तान से ही वीज़ा लेकर आए थे, जो वर्क वीज़ा, इसलिए वो किसी फैक्ट्री में थे आई थिंक सो, या किसी अच्छी पॉइंट पे थे जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, इसलिए उनको अच्छी सैलरी मिल रही थी। अभी वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बाकी जितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं मोस्टली वो काम क्या करते हैं, कुछ गैराज का काम कर रहे हैं जो गाड़ियों का, और कुछ लोगों ने यहाँ पे सुपर स्टोर्स वगैरह बनाए हुए हैं, और कुछ भाइयों ने यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स वगैरह ओपन की हुई हैं, और इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी यहाँ पे मोबाइल्स का भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे केप टाउन में मेरे होटल के पास ही पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने अपना मोबाइल शॉप बनाई हुई है, तो यहाँ पर मोबाइल्स का भी बहुत ज़्यादा काम है। बाकी जोहान्सबर्ग की नस्बत केप टाउन जो है वो सेफ़ है। केप टाउन में मैं जितने भी भाइयों से मिला वो केप टाउन में मिला हूँ, और इसलिए मैं सिर्फ केप टाउन के बारे में भी बता रहा हूँ, जोहान्सबर्ग के बारे में बताऊँगा। जोहान्सबर्ग हो, केप टाउन हो, या पूरा साउथ अफ्रीका कहीं पर भी हो, ऑलमोस्ट सेम है जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। देखें, कुछ भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ अरसा गुजारने के बाद वो बिज़नेस की तरफ हो जाते हैं, बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। और बिज़नेस में भी भाई मुझे बता रहे थे कि अगर आपने ग्रोसरी शॉप ओपन करनी है तो तकरीबन 1 लाख रेंट तक चाहिए कम से कम। तो अपने माइंड में लेके चलें, क्योंकि आप अगर दुबई से देख रहे हो तो दुबई में तकरीबन आप माइंड में लेके चलें 50-60 हज़ार दिरहम तक आपका, अगर आपके पास है 50-60 हज़ार दिरहम या 70 हज़ार दिरहम, देन आप साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हो, ग्रोसरी शॉप वगैरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि दोस्तों के जब आपने यहाँ पे कोई शॉप वगैरह ओपन करनी है तो उसकी कहते हैं पगड़ी देनी पड़ती है। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे, जो बिज़नेसमैन हैं खासकर उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जब आपने यहाँ पे कोई शॉप लेनी है तो उसको एक एडवांस में कुछ पैसे देने पड़ते हैं उस जगह के लिए, उस शॉप के लिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे होती है शॉप के या तो कोई छोड़ के जा रहा होता है या फिर बड़े मौके की जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी काम ओपन करेंगे तो आपका चलेगा ही चलेगा। अभी जो बंगाली भाई हैं पीछे, वो मैं आपको दिखाऊँ, उसके लास्ट में एक भाई की शॉप है, मैं अभी उसी तरफ जाता हूँ तो मैं दिखा भी दूंगा। उस भाई की शॉप है ग्रोसरी, और उसने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले आई थिंक सो बता रहा था कि उस शॉप की जो पगड़ी थी उसने तकरीबन 1.5 लाख तक दी थी, 1.5 लाख रेंड के 7-8 लाख रेंड उसने बताया मुझे, तो वो दी थी।
लेकिन अभी इसकी जो है पगड़ी बहुत ज्यादा हो गई है इंक्रीज, तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब करीब उसने बताए थे कि उसने पैसे दिए थे इस शॉप को खरीदने के लिए, और आज उसकी शॉप तकरीबन 2.5 मिलियन तक ही लगा रहे हैं लोग कि हमसे पैसे ले रहे हो, हमें ये शॉप दे दें। अच्छा, इसके बाद होता क्या, आपने शॉप खरीद ली और उसके बाद आपने अपना सामान बीच में डालना है, सामान डालने के बाद आपने रेंट है मंथली वो भी देना होता है। मंथली जो रेंट है भाई दे रहा है तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया मंथली रेंट दे रहा, लेकिन उस हिसाब से कमा भी रहा, शॉप बड़ी है तो उस हिसाब से वो अर्न भी कर रहा है। तो आप यहाँ पे ग्रोसरी शॉप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप गाड़ियों का काम कर सकते हैं, गैराज का, और उसके अलावा मोबाइल्स का, पाकिस्तानी मोस्टली मोबाइल्स में है, मोबाइल्स का कर सकते हो, सुपरमार्केट का कर सकते हो, और उसके अलावा रेस्टोरेंट का काम कर सकते हो, होटल्स, होटल इंडस्ट्री में आप कर सकते हो काम। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब जो भाई आते हैं विज़िट वीज़ा पे, उनके लिए क्या, वो अगर यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हो, देखे दोस्तों मुझे जो भाई पाकिस्तानी मिले थे उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपका वीज़ा प्रोफेशन अच्छा है, सॉरी अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, लाइक अगर आप इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी अच्छी स्टडी आपने की हुई है, तो इनकी मिनिस्ट्री वगैरह है, वहाँ से जाके आप अपना प्रोसेस करवा सकते हो, अपना नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है वो सारा आप कर सकते हो, और कुछ ही दिनों में आपको ये कन्वर्ट करके आपके वीज़े को कर देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे भी जो सिस्टम है ना, जैसे सेम लाइक दुबई चल रहा है कि आपने अगर किसी बंदे के पास वीज़ा लेके आ गए हो तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसके पास काम करना होता है, बकौल जो पाकिस्तानी भाई मिले थे उनके बकौल ऐसा ही है कि जी आप अगर किसी कंपनी में आ गए तो उसी कंपनी में काम करोगे। आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं, बाकी जो साउथ अफ्रीका से भाई देख रहे हैं वो बता देंगे बेहतर कि जी अगर आपके पास वर्क परमिट हो आप किसी और जगह पर भी काम कर सकते हो। और बाकी बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखे हैं जो कि विज़िट वीज़ा पे आए थे, विज़िट वीज़ा पे आके ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, उनको जॉब मिल गई, या फिर वो अपने भाई के पास ठहर गए किसी के पास जिनके यहाँ पे ऑलरेडी जानने वाले थे, तो उनके पास ही रह के उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और आगे प्रोसीजर हो गया। ये देखें, ये सुपर मार्केट है पीछे, ये बंगाली भाई हैं एक, ये उनकी सुपर मार्केट है, खैर दोस्त ही बन गए हुए हैं अब तो यहाँ पे आपको एशियंस बहुत सारे मिल लेंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई, अफगानी भाई मैंने अभी तक नहीं देखे यहाँ पे। और बाकी अगर किसी भाई ने जॉब वगैरह करनी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी मैं बताता चलूँ, उनको मिलेगी या पाकिस्तानियों के पास ही मोस्टली मिलेगी, आप बंगाली भाइयों के पास या इंडियंस के पास मिल जाएगी, और अगर किसी और जगह पर जॉब करनी हो तो खैर वो भी मिल सकती है, लेकिन नया बंदा है उसको शायद ऐसे ही काम करना पड़ेगा, और अपने माइंड में सैलरी लेके चलो 1-1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी स्टार्टिंग में आप अर्न कर सकते हो। जी अभी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं इतना नहीं होता, इससे कम होगा, मैंने एक एवरेज बात की है, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो मैंने एक एवरेज सैलरी की बात की, तकरीबन इतना आप कर सकते हो, जितना आप दुबई में कमाते हो उतना या उससे ज़्यादा ही कमा लोगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपने प्रोसेस करना है अपने नेक्स्ट फ्यूचर मैंने वीज़े का, तो मैं बताता चलूँ, यहाँ पे तकरीबन 5-7 साल बाद आपको PR मिल जाती है, इससे जल्दी भी लोगों को मिली है और कुछ लोगों को नहीं मिली, कुछ लोग जो इलीगल आए हुए थे उनका वीज़े का मसला, तो वो इलीगली रहते रहे, उनको नहीं पता चला है किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है, तो इन्होंने अपना प्रोसेस नहीं किया। बाकी जो भाई लीगल हो गए थे यहाँ पे उनको तकरीबन 5-7 साल के अंदर PR मिल जाती है, फिर उसके बाद नेशनैलिटी आप ले सकते हो। जो भाई पाकिस्तानी मुझे मिले थे दूसरे, वो तकरीबन 7-7 साल से यहाँ पे हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन आपको नेशनैलिटी लेने के लिए जब PR मिल जाती है तो आप 3 मंथ से ज़्यादा पाकिस्तान स्टे नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पासपोर्ट गेट कर सकते हो। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे पासपोर्ट पैसे दे दिला के भी होता है,
लेकिन उस भाई ने मुझे बताया था कि अगर पैसे दे के पासपोर्ट लेते हो वो एक किस्म का फेक ही होगा, वो सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है, उसमें आपको ये होता है पासपोर्ट मिल जाता है, आप फ्लाई कर जाते हो किसी दूसरे कंट्री के लिए, उसके बाद यहाँ के लिए वो पासपोर्ट नकारा हो जाता है। इस तरीके से आप जॉब्स और बिजनेस अगर करना है साउथ अफ्रीका इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जॉब जो कर रहे हैं मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, 1.5-2 लाख स्टार्टिंग, कम से कम चलो लाख ही लेके चलो स्टार्टिंग। उसके बाद मैंने जो मिला हूँ तकरीबन 1.5-2.5-3 तक मैंने देखे हैं पाकिस्तानी जो जॉब से ही कमा रहे थे। उसके बाद अब अर्निंग उन्होंने कर ली अच्छी, अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस करें। इस कदर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भाई यहाँ पे जॉब करने के बाद अपना बिजनेस करने लगे हैं तो यहाँ पे कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करते हैं इन्वेस्टमेंट करके, बस एक इशू आता है इस कंट्री का जो सिक्योरिटी का आता है। तो ये जिस एरिया में मैं अभी घूम फिर रहा हूँ, ये आपके सामने मोबाइल निकाल के मैं लगा हुआ हूँ सबके सामने, तो ये सिक्योर एरिया, ये केप टाउन का मेन सेंटर है और ये पीछे मेरा सिग्नेचर लक्स होटल है, ये होटल है, उसके साथ ही ग्रोसरी शॉप भाई ने डाली हुई है। तो ये पूरा एरिया सिक्योर है, सिक्योरिटी रहती है। आप यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीट, आप करीब ही लॉन्ग स्ट्रीट में रात को भी जा सकते हो, मैं रात को भी तकरीबन 12-1-2 बजे घर आया हूँ, तो आप लॉन्ग स्ट्रीट में भी सफ़र जा सकते हो, सिक्योरिटी हर जगह पे है। पूरा केप टाउन तो सिक्योर नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक सिक्योर है। अगर किसी भाई को मैं रिकमेंडेशन दूँ तो आप केप टाउन को चूज़ करें, बिजनेस के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी और टूरिज़्म के हवाले से भी। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।